9 न्यूज, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, हमारे चैनल में बफर से मैं आप सभी के बीच तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास प्रोग्राम बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप बिंदास एक्ट्रेस काजोल को लेकर। जी हाँ, काजोल वो एक्ट्रेस है जिन्होंने हमेशा लोगों के दिलों पर राज ही किया। 4 दशक से देखा जाए तो काजोल कर रही है राज। 90 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखने के बाद काजोल लगातार काम करते नजर आए। 2000 के शुरुआती दौर की बात की जाए या फिर 2020 तक के उनके सफर की बात की जाए, 2021 की शुरुआत हो चुकी है और काजोल अब भी अपने फिल्मी करियर को जारी रखना चाहती हैं। यानी कि 4th दशक होगा काजोल की ये फिल्मी सफर का, क्योंकि 3 दशक से तो उनका राज चल ही रहा है। ऐसे में वही काजोल इस अपने फिल्मी सफर को बरकरार रखते हुए निजी जीवन में भी खुशियां बटोरने के लिए जिस तरह फिल्मी एक्ट्रेसेस को एक्टिंग की दुनिया में स्ट्रगलिंग करनी पड़ती हैं और अपने एक्ट को सफल बनाने के लिए, फिल्मों को सक्सेसफुल बनाने के लिए कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है और अपने काम में उसे तरह एक माँ बनने का एहसास होता है। दिन रात बच्ची की परवाह में एक माँ कितनी मुश्किलों से गुजरती है। काजोल की जिंदगी भी ऐसी ही रही है। कैसे उन्होंने 2 बार ऑपरेशन कराया, 2 मिसकैरेजेस के बावजूद, जानते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। वेल दोस्तों, फिल्म टाउन की एक्ट्रेसेस बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में रही हैं। एक्ट्रेसेस के बारे में कहा जाए तो वाकई में आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन हमने आपको इससे पहले कई एक्ट्रेसेस के बारे में कई बातें बताई हैं। चलिए आज हम आपको बता दें बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस रही काजोल के बारे में, जिन्होंने एक बार नहीं 2-2 बार मिसकैरेज होने के बावजूद सी सेक्शन से 2 बच्चों को जन्म दिया। कितनी तकलीफ से गुजरी है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस काजोल, आप क्या समझ सकते हैं इस बात को। जी हाँ, बिल्कुल सच है कि काजोल एक बार नहीं कई बार कई तरह की परेशानियों से गुजर चुकी हैं। काजोल की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा दर्द भरी, माँ बनने का उनका सफ़र यानी कि मदरहुड की जर्नी उनकी काफ़ी तकलीफ भरी रही है। काजोल ने मदरहुड को इंजॉय तो किया है, लेकिन इसके लिए उन्हें कितनी कुर्बानियाँ कितने दर्द से गुजरना पड़ा है ये भी कई लोग नहीं जानते हैं। आज हम आपको इस बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस काजोल, जिन्होंने काफ़ी तकलीफ झेली, काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है, एक बफर से हम आपको बताना चाहेंगे आपकी फेवरेट हीरोइन काजोल के बारे में। ये बात शायद आप ना जानते हो, लेकिन आपकी फेवरेट काजोल को 2 मिसकैरेज होने के बाद, दोस्तों 2-2 मिसकैरेजेस होने के बाद भी 2-2 सी सेक्शन से 2-2 बार एक बेटी और एक बेटे के जन्म के वक्त डिलीवरी के दौरान कितनी पीड़ा सहनी पड़ी, उससे वो कितनी तकलीफ में रही कई लोग नहीं जानते हैं। वल दोस्तों, आपको हम ये बताना चाहेंगे इस बारे में कितनी तकलीफ में रही आपकी फेवरेट काजोल। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स माने तो सी सेक्शन में काजोल की डिलीवरी हुई थी, तो इसके लिए रिकवर करने में उन्हें समय ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि डॉक्टर्स की हर बात उन्होंने मानी। जी हाँ, काजोल ने एडवाइस लिया और वो हर एडवाइस को पूरी तरह से फुलफिल करती रही। कहा जाता है कि युग देवगन के डिलीवरी से पहले, युग देवगन के जन्म से पहले भी काजोल शूटिंग कर रही थी फिल्म माय नेम इज़ खान का, प्रेगनेंसी में भी, और परिवार काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि 2 मिसकैरेजेस के बाद एक बेटी का जन्म काफ़ी मुश्किलों में काजोल का हुआ। और दूसरे बच्चे के जन्म से पहले काजोल अपने आप को आराम देने के बजाय फुल वर्क मोड में थी, जिसके लिए उन्हें काफ़ी तकलीफ भी झेलनी पड़ी थी। नेमिंग सेरेमनी भी रखी गई थी और काजोल के बेटे के जन्म के बाद काफ़ी तकलीफ से उन्हें निकलने में वक्त लगा था। खैर, काजोल के बारे में कहा जाए तो आपको बता दी, सीजेरियन का दर्द कितना दर्द भरा होता है आप भी जानते हैं, कितने रिस्क होते हैं आप भी जानते हैं। जी हाँ, इंजरीज का रिस्क होता है, बेबी को चोट लगने का रिस्क होता है, इन्फेक्शंस का रिस्क होता है, और पहली सी सेक्शन के बाद दूसरा सी सेक्शन ही होता है डिलीवरी, ये भी रिस्क लेते हैं। इनफैक्ट
दूसरी प्रेगनेंसी में भी रिस्क होता है, पेन तो नहीं होता लेकिन बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फिर भी एक्ट्रेसेस को ये करना पड़ता है। काजोल ने भी फिर भी ये सब किया क्योंकि उनके लिए उनकी ज़िंदगी में माँ बनने का एहसास उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास बनने वाला था। और 2 मिसकैरेज के बाद भी उन्होंने हाँ हिम्मत नहीं हारी थी क्योंकि वो चाहती थी बहुत ज़्यादा अपने परिवार को खुशी देना और अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना। वैसे आपको बता दी, सी सेक्शन के बाद एक्ट्रेसेस को नहीं, महिलाओं को भी, एक्ट्रेसेस के अलावा महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा होती है प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि फीडिंग से लेकर सांस लेने में बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो ये सब रिस्क एक्ट्रेसेस लेती हैं, काजोल ने भी लिया। कहा जाता है कि हर्निया जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है, इसका रिस्क, इसका ख़तरा बढ़ सकता है। इसके बावजूद काजोल ने ये रिस्क लिया क्योंकि काजोल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वैसे तो काजोल अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन आपको हम ये बताना चाहेंगे कि काजोल अपने बच्चों को लेकर स्ट्रिक्ट भी हैं। सी सेक्शन से दोनों बच्चों को काजोल ने जन्म दिया है, जिसके बाद उनके बच्चों के लिए उनके दिल में अलग जो है जगह है क्योंकि उनकी दुनिया उनके बच्चे ही बन गए। काजोल की प्रेगनेंसी की बात करें तो मिस कैरिजेस से लेकर इंट्रैक्शंस को लेकर ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के इंट्रैक्शंस के दौरान काजोल ने स्टेटमेंट दिया था और कहा था, Over time, we begin planning to have kids. I was pregnant during Kabhi Khushi Kabhi Gham film but had a miscarriage. I had another miscarriage after that. It was tough but eventually it worked out. We had Nyasa and Yugan. Our family is complete. दिल टूट गया था उनका जब मिसकैरेज हुआ था, ये काजोल ने बताया था। जी हाँ, बात ये तब की है जब दिलवाले की एक्ट्रेस को अजय देवगन के साथ फैमिली प्लानिंग करनी थी। अजय देवगन ने ही बताया था, येस वी हैव लॉस्ट आवर बेबी बट वी हैव नो रिग्रेट्स, इट वॉज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, काजोल्स लाइफ वॉज एन इंजर्ड, एज सून एज द डॉक्टर इन्फॉर्म अस दैट दे वुड हैव टू ऑपरेट वी बोथ गिव देम टू गो अहेड। जी हाँ, काजोल की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी और उन्हें ऑपरेशन कराना ही था। Of course, both of us were thrilled when we learned of the pregnancy following a blood test. Still, if not today, tomorrow, we will look forward to starting a family. ये कहा था अजय देवगन ने, अगर एक बार हिम्मत हारी है दोबारा हाँ हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे। अजय देवगन की 100 फिल्में कंप्लीट करने के बाद अजय देवगन ने यह स्टेटमेंट दिया था तो उनकी पत्नी काजोल ने भी इस पर अपनी बात रखी थी। बता दें हम आपको, न्यासा देवगन के साथ काजोल सिंगापुर में ज़्यादा रहती हैं क्योंकि वहीं न्यासा की एजुकेशन कंप्लीट हो रही है। तो वहीं अगर बात की जाए न्यासा देवगन से हटकर युग देवगन के बारे में, तो युग यहाँ अपने पिता के साथ रहते हैं और काजोल और अजय अपने बच्चों की स्टडीज़ की वजह से, उनकी परवरिश की वजह से दूर दूर रह रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड की सुपर हिट हीरोइन काजोल को लेकर। जी हाँ, आज के शो में हमने आपको बताया है आपकी फेवरेट काजोल के निजी जीवन में उनका मदरहुड कितना उतार चढ़ाव भरा रहा, कितना पेनफुल रहा उनका 2 बच्चों को खोना मिसकैरेज की वजह से, फिर 2 बच्चों के लिए सीजेरियन डिलीवरी का पीड़ा सहना। लेकिन फिर भी आज अगर वो कमाल की माँ है तो इसलिए क्योंकि उन्होंने कितने मुश्किल से गुजर कर बच्चों को अपने ज़िंदगी में पाया है, ये जानती हैं काजोल। खैर, वक्त हो गया है आपसे यही इजाज़त लेने का, अगली बार फिर लौटेंगे ऐसी ही बॉलीवुड टाउन की लेटेस्ट खबर लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।